सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, दोपहर 1:15 बजे। अरे हरामी बच्चे, उठते क्यों नहीं है टाइम से? हमारे शो को टीआरपी कैसे मिलेगी फिर? अरे आप फिर से हमारी सीट पे आके बैठ गए। मैंने आपको कितनी बार बोला है, इस घर के बिग बॉस हम हैं, आप ना ही, आप काहे अपनी शक्ल दिखाते हैं यहाँ पे? अरे माइक चालू है भाग्यवान, पहले इन हरामी बच्चों को उठाओ, बाद में मुझसे लड़ लेना। रुकिए, सीक्रेट वेपन यूज करना ही पड़ेगा अभी। ये क्या है मम्मा, फैन क्यों बंद किया? मम्मा नहीं, बिग बॉस कही है रमेश। हाँ हाँ, वही वही बिग बॉस। रमेश, आपके लिए एक टास्क है। सबसे पहले आप अपने छोटे भाई सुरेश को उठाइए और दोनों फ्रेश होके कॉन्फ्रेंस रूम में आके बैठ जाइए। अरे कॉन्फ्रेंस रूम नहीं होता है भाग्यवान। अरे वही होता है, हमको मालूम है। ओए ना जाए इस कुत्ते, उठ जा जल्दी से, बिग बॉस बुला रहे हैं। अभी कैसे सुअर की तरह लेटा यार, उठ जा जल्दी से। उठ जाना सुअर। सुरेश, ओए सुरेश बेटा उठ जा, उठ जा बेटा, उठ जा, प्यार से समझा रहा हूं। सुरेश उठ जा, आज ना मजे करेंगे, स्कूल की छुट्टी है आज। स्कूल की छुट्टी है, सोच स्कूल की छुट्टी। क्या आज स्कूल की छुट्टी है? मतलब मैं दिन भर डोरेमोन छोटा भीम चुटकी भी दे सकता हूँ? वाह, पूरा दिन मजे में जाएगा, अब तो उठना ही पड़ेगा। ओ शिट, आज तो छुट्टी ही थी, मैं खामखा उठ गया। अब उठ के घर के काम भी करने पड़ेंगे और कमीने के साथ भी दिन बिताना पड़ेगा। वैसे तो छुट्टियां ही चल रही है, चल उठ जा, उठ के फ्रेश होके आ जा कॉन्फ्रेंस रूम में, बिग बॉस बुला रहे हैं। हाँ हाँ आता हूँ, जा। बिग बॉस को मत बताना भाई, इस बार पहली बार भाई बिग बॉस को मत बताना प्लीज। वन अ लाइफ टाइम दाना सुनना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ गिराता ही रहता है भाई, प्लीज मत बताना। अभी साफ कर रहा हूँ मैं, अभी साफ कर रहा हूँ, प्लीज भाई प्लीज। हाँ ठीक है, जा जल्दी से साफ कर दे, नहीं बताऊंगा बिग बॉस को, जा। थैंक यू यार। बिग बॉस देखे एक किस तरह से प्राणी आपके इतने साफ सुथरे घर को गंदा कर रहा है। बिग बॉस मैं तो कहता हूँ इसको अभी के अभी घर से बाहर निकाल दीजिए। वीकेंड में पड़ोस वाली आंटी को बुला के इसको जज करके बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है। देखे किस तरह से इसने चाय गिरा दी। बिग बॉस इसको अभी से अभी निकाल देना चाहिए और विनर की ट्रॉफी मुझे दे दीजिए। बिग बॉस जल्दी से दे दीजिए। साले धोखेबाज कही के दगाबाज, ऐसे क्या देख रहा है, ना जाए सुअर। भीम की बत्ती धूप मचाए। सुरेश, कॉन्फ्रेंस रूम के टेबल पर जूस रखा है, दोनों भाई इक्वली शेयर करके पी लीजिए। ओके बिग बॉस। तुम्हें लगता है ये हरामी बच्चे इक्वली शेयर करके पी लेंगे? हे चलो मेरे में थोड़ा ज्यादा ही ले लेता हूँ। वैसे बिग बॉस की आवाज तो सबसे पहले मैंने सुनी थी, वो तो अब तक आया ही नहीं, ज्यादा ही ले लेता हूँ। हाँ ठीक है। ओहो जूस, अरे ते मासा होता पैसा, पर वो ग्लास मेरा था। कोई बात नहीं, वो ग्लास ले लेता हूँ। अरे नहीं, आता कैसे गुड़ उष्ट केले सुनाता, मैं क्या पीऊँ? क्या बात कर रहा है तू, झूठा नहीं पीता? कोई बात नहीं, दोनों ग्लास मुझे दे दे, हाँ मैं पी लेता हूँ।
क्या ओरिजिनल सुअर लग रहा है ब्रो, एकदम सुअर लग रहा है। और बना शक्ल, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। बिग बॉस मेरे पास नए कपड़े ही नहीं है, प्लीज मेरे लिए नए कपड़े ले लो। कब तक ये फटे पुनारे कपड़े पहनते रहूंगा, प्लीज ले लो। नहीं नहीं बिग बॉस, कोई बात नहीं, मैं ही थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर देता हूँ। ए लो सुरेश बेटा, मेरे कपड़े ले लो तुम। वैसे तो नहीं है, बस थोड़े दो चार साल पहने होंगे। पर बिग बॉस, अपने बड़े भैया से कुछ सीखो सुरेश। मैं क्या कह रहा था बिग बॉस, मेरे लिए कुछ नए कपड़े ले ही लेते, मतलब वैसे सैक्रिफाइस किया है तो अच्छी बात है ना भाई से, वैसे वो भी कुछ अच्छी बातें सीख लेगा। मगर क्या है ना, मेरे लिए पहनने के लिए कपड़े है ही नहीं, तो सोच रहा था ले लेते हैं। हाँ हाँ मेरे लाडले, कल बाजार में जाके तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आएंगे। उस छोटे बच्चे ने क्या पाप किया है भाग्यवान? अरे आप चुप बैठिए, हम लॉजिक से काम लेते हैं। अगर छोटे को कपड़े लेंगे तो सिर्फ वही पहनेगा, लेकिन बड़े को कपड़े लेंगे तो उसके छोटे होने के बाद भी छोटा पहन सकता है। देखिए हुई ना पैसों की बचत। छोटा भीम दुश्मन चोट के जाएंगे, मंगल सिंह हम पाएंगे। सुरेश टीवी देखे? पर बिग बॉस डांटेंगे ना। अरे दोपहर के 2 बजे हैं यार। तो अरे बिग बॉस तो दोपहर की मीठी सी नींद में होंगी ना। हाँ डोरेमोन लगाओ भैया। तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ लेकिन बेटे तो हो ना, डोरेमोन लगाओ। चुप बेटे यार, वरना टीवी बंद कर दूंगा, दोनों को नहीं मिलेगी देखने के लिए। ले देख ले, तू ही देख ले डोरेमोन। अब डोरेमोन कौन ही देखेगा भैया। तो आज के इस दिन में रमेश और सु, देखिए हम ना पीट देंगे आपको, हम इस शो के होस्ट हैं, हमें अपना काम करने दीजिए, चलिए हटिए यहाँ से। और हाँ बाजार से धनिया लेके आइएगा। तो आज के इस दिन में रमेश को लगा कि वो बच जाएगा, लेकिन उसने जो जो कार्यक्रम किए हैं ना वो बिग बॉस को सब पता है। जैसे कि रमेश ने सबसे पहले अपने छोटे भाई को उठाने के लिए अपशब्दों का वापर किया, ना जाए इस कुत्ते। उसके बाद उसने अपने टेबल पर चाय भी गिरा दी और उसके बाद अपने हरामी छोटे भाई का जूस भी पी लिया। और तो और बिग बॉस के सोने के रूटीन को ना जानके हुए उसने दोपहर 2 बजे ही अपना टीवी लगाया, जबकि बिग बॉस 3 बजे सोते हैं और 3:30 बजे उठ भी जाती है। तो इन सब कारणों के चलते रमेश आपको बिग बॉस हाउस से निष्कासित किया, निकाल दिया जाता है। रमेश आप जा सकते हैं। बिग बॉस एक चांस दे दीजिए, एक चांस, इसके बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। बिग बॉस हमें भैया को एक मौका देना चाहिए, और वैसे भी उन्होंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की थी, उन्होंने मुझे नया जूस भी ला के दिया और गिरी हुई चाय भी साफ कर दी, और सुबह उनको पता था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग करके मुझे उठाया। बिग बॉस भैया को एक और मौका दे देना चाहिए हमें, और इन्हों प्लीज़ इस घर से मत निकालिए प्लीज़। चल रमेश बेटा कोई बात नहीं, तुझे एक चांस मेरी तरफ से मिला और अपने छोटे भाई की तरफ से मिला, जा जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ पढ़ाई वढ़ाई करना, वरना बेल्ट से कूटूंगा तुझे, हरामी बच्चे साले कही के पढ़ ले जाके, एक दिन पूरा बर्बाद तो कर दिया। और हाँ इस घर का बिग बॉस मैं ही रहूँगा, ये बस बोलती रहती है, वो बोलने वाली बिग बॉस है, मैं करने वाला बिग बॉस हूँ।